अब देखिए इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 इंडिया ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से बात की है। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की है, साथ ही यह भी कहा है कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मालदीव के जो जिम्मेवार लोग हैं, इस जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप बात कही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री की जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि इस देश के स्वाभिमान का, देश के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो देश की जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी, और इसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लक्षद्वीप को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और वही लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने मालदीव की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दो टूक ये कह दिया कि इस विवाद से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो दौरा हुआ, इसके कारण लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया है। ये वहां पे ताज विरुद्ध वहां पे दोनों जगह पे रिसोर्ट बना रहा है, वाटर विला भी बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका डायरेक्शन भी दिया, उनके इस हिसाब से हमने एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल जो भेजा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाएगा। आपको बताते हैं कि ये पूरा मसला क्या है और ये शुरू कैसे हुआ। दरअसल पीएम 2 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे पर गए थे और उस दौरे की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। पीएम के लक्षद्वीप दौरे की ये तस्वीरें तुरंत ही वायरल हो गई और पीएम की तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की चर्चा छेड़ दी। दरअसल लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर भारत में लोग कहने लगे कि मालदीव से बेहतर है कि वो लक्षद्वीप घूमने जाए। मंत्री मरियम शुमा ने पीएम पर अपमानजनक ट्वीट किया, इसी बात से घबराकर कि मालदीव से बेहतर है लक्षद्वीप। मंत्री मलाशा शरीफ ने भी पीएम पर अपमानजनक पोस्ट की, तो तीन तीन मंत्रियों ने ऐसा किया। तीसरे मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत का मजाक उड़ाया और ये मजाक उड़ाना भारी पड़ गया मालदीव को। वहां के राष्ट्रपति ने माफी मांगी है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के इंडी अलायंस सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बैठक होने वाली है। बैठक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर दोपहर करीब 12:30 बजे होगी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत हिस्सा लेंगे।